जानकारी आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं कोलकाता के स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन के डॉक्टर शंभु सम्राट समझदार। नमस्कार, आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग लगातार कोरोना से संबंधित सवालों और जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए कार्यक्रम करता आ रहा है। हमारे साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं जो आपकी जिज्ञासाओं और आपके सवालों, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है, जो भी हमें सुन रहे हैं उनसे अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सरकार ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है, इसलिए सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगाएं, सुरक्षित रहें। इन 3 उपायों का पालन करें, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इन उपायों का पालन करते रहिए, कोविड का टीका लगवाइए जाके, और हां, अपने आप को, परिवार को और समाज को कोरोना से बचाइए। आज हमारे साथ हैं स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन कोलकाता के डॉक्टर शंभु सम्राट समझदार। डॉक्टर शंभु, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंभु सम्राट समझदार से आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप 2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं और हमें फोन कर रखे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। डॉक्टर शंभु, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सीधे सीधे इस प्रश्न के साथ कि टीकाकरण का असली उद्देश्य क्या है और इसके लाभ क्या हैं? नमस्कार। नमस्ते। तो टीकाकरण का जो मुख्य भूमिका है, क्यों हम लोग टीका लेते हैं? कोई बीमारी जब हम लोग को होता है, कोई इन्फेक्शन हम लोग को होता है, तो वो इन्फेक्शन के कारण कोई बैक्टीरिया या वायरस अगर हम लोग का शरीर में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध में, अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी तैयार होता है, और वो एंटीबॉडी फिर फ्यूचर में फिर से अगर वो इन्फेक्शन प्रवेश करेगा तो उसके साथ जूझेगा। लेकिन कोई कोई बीमारी ऐसा है, हम लोग अगर वो बीमारी के लिए वेट करेगा कि हम लोग को इम्यूनिटी चाहिए तो बीमारी को होना है, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कोविड-19 भी वैसे एक बीमारी है, एक नया बीमारी है, तो उसमें क्या होगा, उस ये कोविड-19 का जो गति प्रकृति है, जो नेचुरल हिस्ट्री है, वो ऐसा है कि वो अनप्रेडिक्टेबली प्रेडिक्टेबल है। मतलब वो कैसे, उसका गति प्रकृति कौन सा पेशेंट में कैसे होगा, ये पहले से प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को वैक्सीन चाहिए जो हम लोग का शरीर में वो डिजीज जैसा एक वातावरण क्रिएट करेगा, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, लेकिन पूरा कंप्लीट डिजीज को क्रिएट नहीं करेगा। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग वैक्सीन लेगा तो हम लोग को शरीर में एक एंटीबॉडी क्रिएट होगा, और एंटीबॉडी के साथ साथ हम लोग का शरीर में एक मेमोरी सेल रहता है, जो कि ना बाद में भी अगर एंटीबॉडी चला जाने से भी फिर से अगर कोई इन्फेक्शन हम लोग का शरीर में प्रवेश करेगा तो उसके साथ जूझने के लिए हम लोग का जो सेल है, कोष है, उसको शिक्षित करता है। तो इसके लिए हम लोग को वैक्सीन चाहिए, और कोविड-19 ऐसा डिजीज है जो प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल डिजीज है, उसके अगेंस्ट में तो हम लोग को वैक्सीन चाहिए ही चाहिए। जी डॉक्टर, अब जब सरकार ने कहा है कि 45 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को टीका लगाया जा सकता है, उसके लिए क्या विशेष तैयारियों की भी जरूरत पड़ेगी, या लोगों को और समझाने की जरूरत पड़ेगी, उनको काउंसिल करने की जरूरत पड़ेगी कि भाई अब टीका आप सबके लिए अवेलेबल है, आप बेहिचकों के टीका लगवा सकते हैं? एकदम, ये बहुत बड़ा कदम है आज जो हम लोग का गवर्नमेंट से जो निर्णय लिया गया है
कि फर्स्ट अप्रैल से एवर 45 इयर्स सबको वैक्सीन दे सकते हैं हम लोग। पहले क्या था कि हम लोग जो 60 इयर्स की अप है वो ले सकता था, और उसके साथ साथ जो 45 टू 60 इयर्स के अंदर जो एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज है उस वैसे पेशेंट को हम लोग वैक्सीन दे सकता था। लेकिन अभी जो हो गया कि 45 इयर्स के ऊपर जितने भी पेशेंट है उसको हम लोग वैक्सीन दे सकते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग का जो पॉपुलेशन है उसमें 4,85,00,000 पॉपुलेशन को वैक्सीन मिल गया। लेकिन अगर हम लोग आज हम लोग का टोटल पॉपुलेशन का चिंता करेंगे जो एक 130 करोड़ है, तो उसकी हिसाब से उसकी परसेंटेज में ये जो वैक्सीनेशन हो गया ऐसा पॉपुलेशन का परसेंटेज बहुत ही कम है। जो हम लोग बोलता है कि हम लोग को वैक्सीनेशन का एक मेन टारगेट है, मेन गोल है हार्ड इम्यूनिटी डेवलप करना, क्योंकि ये हार्ड इम्यूनिटी अगर हम लोग को डेवलप हो जाए तो हम लोग ये जो पैंडेमिक है इसको हम लोग खत्म कर सकता है। तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल मॉडल के साथ हम लोग को पता है कि अराउंड 70-85% पॉपुलेशन को अगर हम लोग वैक्सीन कर सकता है तो हम लोग को हार्ड इम्यूनिटी मिल सकता है जी। तो इसके लिए अभी जो निर्णय हुआ जो मोर देन 45 इयर्स विदाउट एनी कोमॉर्बिडिटी अलाउ हो गया वैक्सीन लेने के लिए, वैक्सीन का बेनिफिशियरी हो सकता है, तो ये बहुत बढ़िया निर्णय है। तो ये क्या हो सकता है, अभी जो कोविन ऐप है उसमें आप लोग आपका रजिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल में भी एक सेंटर के साथ संयुक्त हूँ एक वैक्सीनेशन सेंटर के साथ। तो उसमें हम लोग क्या करता है, कभी कभी जो बुजुर्ग आदमी है वो ये ऐप को खुद से नहीं कर सकता है, तो हम लोग का एक सपोर्ट सिस्टम है जिस सपोर्ट सिस्टम से हम लोग हेल्प करता है। जिस दिन बुजुर्ग आदमी हम लोग के पास आता है विदाउट रजिस्ट्रेशन इन द कोविन ऐप, हम लोग हेल्प करता है वो आदमी को कि आप ऐसे करके ऐप आपका नाम रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो ऐसे करके हम लोग को भी थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, हर सेंटर को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोविन ऐप में पेशेंट और जो बेनिफिशियरी है वो ही खुद से अपलोड करेंगे। हम लोग का जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो लोग अगर प्रोएक्टिव होके काम करेंगे तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा निर्णय है, देखता है हम लोग और कितना जल्दी ये टोटल परसेंटेज पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर सकता है जी। डॉक्टर शंभू, क्या टीकाकरण कोरोना से जो हमें होने से बचाएगा या इसके फैलाव को रोकने में सक्षम होगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा से समझना है ये चीज को कि हम लोग जो वैक्सीन ले रहा है उसका मेन पर्पस है कि हम लोग का डिजीज ज्यादा सीवियर ना हो। हम लोग कोविड 19 का वैक्सीन मिल रहा है इसका मतलब है हम लोग का जो सीवियर डिजीज होने का संभावना है, हम लोग का जो मॉर्टेलिटी होने का प्रोबेबिलिटी है वो कम रहा है, उसको रास हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको इन्फेक्शन नहीं होगा, हमको वैक्सीन लेने के बाद भी हमको इन्फेक्शन हो ही सकता है, मेरा इन्फेक्शन एसिम्टोमेटिक हो सकता है। इसके लिए बहुत जरूरी है आफ्टर गेटिंग वैक्सीन हम लोग को जो SMS प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो कर रहा है, जो है S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, M फॉर मास्क और एंड S फॉर सैनिटाइजेशन, ये SMS प्रोटोकॉल को भूलने का नहीं है, इसको फॉलो करना ही है। क्योंकि मैं एसिम्टोमेटिक मैं वैक्सीन लिया, मैं एसिम्टोमेटिक कैरियर बन गया और मैं जाके एक दूसरा आदमी को जिसको वैक्सीन नहीं मिला उसको इन्फेक्ट कर दिया और उनको सीवियर डिजीज होके उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा या उनको डेथ हो गया, तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना घटेगा। तो इसके लिए वैक्सीन लेने के बाद भी हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी है एसिम्टोमेटिक कैरियर बनने का, इसके ऊपर ध्यान रखते हुए हम लोग को SMS प्रोटोकॉल जरूर जरूर फॉलो करना चाहिए जी। डॉक्टर, हम इस पे चर्चा जारी रखेंगे।
आइए सबसे पहले मध्य प्रदेश के रेवा से जुड़ते हैं सुरेंद्र जी से और समझते हैं कि उनका क्या सवाल है, उनकी क्या जिज्ञासा है। सुरेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी साहब, मेरी उम्र 70 वर्ष है जी। कोई 20 साल पहले मुझे एक कैप्सूल का रिएक्शन हुआ था, उसका आज भी हफ्ते में एक टेबलेट हमको खाना पड़ रहा है, जो किया दिन 25 mg। अच्छा, वर्तमान में ब्लड प्रेशर की बीमारी है हमें, क्या चीज का आपका रिएक्शन हुआ था? क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? सुरेंद्र जी, किस चीज का आपको रिएक्शन हुआ था? एक कैप्सूल का रिएक्शन हुआ था जुकाम से संबंधित, और कैप्सूल का नाम तो नहीं ध्यान है। जी, कोई 20 साल पहले रिएक्शन हुआ था। डॉक्टर, कई साल पहले इनको कैप्सूल का रिएक्शन हुआ था और ये कहते हैं कि अब क्या मैं टीका ले सकता हूँ, ये जानना चाहते हैं। मतलब आपका कोई दवाई से रिएक्शन हुआ था जी, है ना? ऐसा बात है। तो जो बात है, हम लोग का जो अभी 2 वैक्सीन चल रहा है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो ये कोविशील्ड वैक्सीन का जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई पिछले बार ये वैक्सीन से, पर्टिकुलरली कोविशील्ड का फास्ट डोज लेने से अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ तब कोविशील्ड नहीं लेने का है। और दूसरा बात है, अगर आपको कोविशील्ड वैक्सीन का जो इंग्रेडिएंट है वो क्लियरली लिखा हुआ है, उससे अगर कोई रिएक्शन हुआ होगा तो आपको नहीं लेना है। और ये रिएक्शन मतलब एक एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हम लोग बोलता है, जो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है, जिसका सिम्टम्स है स्किन में रैश निकलना, उल्टी होना, सांस का तकलीफ होना, शॉक हो जाना और ब्लड प्रेशर बहुत फॉल हो जाना। तो ये चीज अगर होगा तो आपको कोविशील्ड वैक्सीन का कोई इंग्रेडिएंट से अगर आपको कोई ऐसे रिएक्शन हुआ तो आपको कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लेना है। लेकिन बाकी जो एलर्जी, कोई दूसरा चीज में एलर्जी हो तो उसमें डेफिनेट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि आपको कोविशील्ड नहीं लेने का है। आप कोविशील्ड ले सकते हैं, लेकिन आपका जो जहां पे जो सेंटर में आप कोविशील्ड वैक्सीन लेंगे उसमें आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन दूसरा जो और एक वैक्सीन है, कोवैक्सीन बोल के, उसमें जो हम लोग का जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें क्लियरली लिखा है, अगर पिछले कोई एलर्जिक रिएक्शन का हिस्ट्री है तो ये वैक्सीन ना लेने से ही अच्छा है। तो अभी तक जो जानकारी हम लोग को है यही है। तो आप कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो आप ले ही सकते हैं, लेकिन आप जो सेंटर में जाएंगे, जो सेंटर में आप वैक्सीन लेंगे, वो वैक्सीन लेने के बाद आपको आधा घंटा, जैसे सबको वेट करना पड़ता है तो आपको भी वेट करना है और देखना है कि कोई एनाफाइलेक्सिस या सीवियर एलर्जी रिएक्शन हो रहा है क्या नहीं। आपका जो डॉक्टर वो सेंटर में रहेंगे वो ये चीज के ऊपर बहुत अच्छा से ध्यान देंगे और आप ले सकते हैं। वैक्सीन लेने में आपका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, आप जरूर वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन जो मैं बोला अगेन, डॉक्टर की सुपरविजन में रहना चाहिए वैक्सीन लेने के बाद आधा घंटा। और अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी चलते हैं, जहां से सुबोध गुप्ता अपने प्रश्न के साथ हमसे जुड़ रहे हैं। सुबोध जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर शंभू से? नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। पहले ऐसा कहा गया था कि कोविशील्ड वैक्सीन की जो है दूसरी डोज जो है वो 4 सप्ताह बाद लगेगी, लेकिन अभी ऐसा समाचार पत्रों में ऐसा निर्देश आ रहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज जो है वो 6 से 8 सप्ताह के मध्य लगाई जाएगी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसका कारण क्या है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत अभी सबके ऊपर ये जानकारी सबको होना चाहिए। पहले जो था, हम लोग को बोला गया था कि फर्स्ट डोज लेने का 28 डे में 4 वीक से 8 वीक्स के बीच में हम लोग को कोविशील्ड का सेकेंड डोज ले लेना चाहिए। लेकिन ये दो कुछ दिन पहले हुआ, जो कालीन ये चीज का फाइनल निर्णय हुआ कि ये वैक्सीन लेना आइडियली सबसे अच्छा होगा 6 वीक्स टू 8 वीक्स के बीच में फर्स्ट डोज का। इसका कारण ये है, कुछ जानकारी, कुछ साइंटिफिक पेपर से हम लोग को पता चला है कि ये सेकेंड डोज का अगर हम लोग थोड़ा डिले करके देगा तो ये डिले करने से इम्यून जो रिस्पॉन्स है, जो वैक्सीन में हम लोग पहले डिस्कस किया कि वैक्सीन हम लोग क्यों देता है, क्योंकि हम लोग को अच्छा से एंटीबॉडी तैयार हो, मेमोरी सेल जो वायरस को फ्यूचर में किल करे वो अच्छा से स्ट्रेंथन हो। तो ये अगर हम लोग 6 वीक्स से 8 वीक्स के बीच में अगर
सेकेंड डोज जो बूस्टर डोज है वो अगर हम लोग देंगे तो देखा गया है कि उसमें ज्यादा अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है। तो इसी कारण ये चीज का चेंज हुआ है और अभी से आप लोग जो वैक्सीन लेंगे, जो कोविशील्ड वैक्सीन लेंगे, अभी से ठीक रखिए कि आप फर्स्ट डोज जिस दिन लेंगे उसका 6 वीक्स से 8 वीक्स के बीच में आपको सेकेंड डोज लेना है। लेकिन कोवैक्सीन अगर आप लोग लेंगे तो कोवैक्सीन के लिए कोई चेंज नहीं हुआ है, वो फर्स्ट डोज लेने का 28th डे में आपको सेकेंड डोज लेना है। एक चीज आप लोग को सबको मानना पड़ेगा, साइंस एक डायनामिक सब्जेक्ट है, हर दिन चेंज होता है। आज हम लोग जो चीज डिस्कस कर रहा है कल वो चीज नहीं रह सकता है, तो इसके लिए हम लोग को हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा और देखा जाएगा। लेकिन आपका जो प्रश्न था यही मेरा जवाब है जी। और कुछ प्रश्न रहने से आप पूछ सकते हैं। और अब उत्तराखंड के देहरादून चलते हैं, वहां से विजय अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। विजय जी स्वागत है आपका। नमस्कार नवीन जी, डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि जो नए निर्देश आए हैं मेडिकल निर्देश, इसमें टाइम पीरियड बढ़ाया गया है सेकंड डोज का, उस विषय में ये जानना चाह रहे हैं मैं और मेरे जैसे कई लोग कि बेस्ट पीरियड कौन सा होगा जिसमें कि वैक्सीन लिया जाए। बेस्ट पीरियड जो ड्यूरेशन बढ़ाया है उसका आइडियल पीरियड कौन सा होगा, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, एंड ऑफ फोर्थ वीक, किसमें लिया जाए वैक्सीन सेकेंड डोज? कोविशील्ड के लिए 6 वीक्स से 8 वीक्स के बीच में आपको लेना है। फर्स्ट डोज जिस दिन आप लिए हैं उससे कैलकुलेट करना है, आफ्टर 6 वीक्स बिटवीन 8 वीक्स। अभी जो निर्देश पत्र है उसमें क्लियरली लिखा है कि सेकेंड डोज 8 वीक्स के बाद नहीं लेना चाहिए, 8 वीक्स के बीच में ले लेना चाहिए। कोविड-19 पर आप विशेष परिचर्चा सुन रहे हैं। हमारे साथ हैं स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन कोलकाता के डॉक्टर श्याम्बो सम्राट समझदार, जो आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर रखे हैं। डॉक्टर, यहां पे एक प्रश्न मेरे मन में भी है, जिज्ञासा मेरे मन में भी है, टीकाकरण के बाद कितने दिनों में पूरी तरह से इम्यूनिटी आ जाएगी कोरोना के खिलाफ? हाँ, हम लोग को अभी तक जितना पता है कि सेकेंड डोज लेने का 15 डेज के बाद हम लोग एक इम्यूनिटी क्लेम कर रहा है, और ये लगभग 15 डेज से किसी किसी लिटरेचर में देखा गया 30 डे, तो 2 वीक्स से 4 वीक्स के बीच में हम लोग को इम्यूनिटी पावर डेवलप करेगा। लेकिन फिर से हम इसके ऊपर स्ट्रेस देना चाहता है कि आप इम्यून मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन आपका जो इन्फेक्शन वो सीवियर डिजीज में टर्न अप नहीं करेगा, आप एसिम्टोमेटिक रहेंगे मैक्सिमम केस में। कुछ कुछ केस में आपको माइल्ड डिजीज हो भी सकता है, लेकिन जो बड़ा बात है, आप अगर दूसरा आदमी के पास जाएंगे जिसका पास जो वैक्सीन नहीं लिया है तो उसको आप ट्रांसमिट कर सकते हैं एसिम्टोमेटिक कैरियर होने के नाते। तो इसलिए बार बार मैं वही चीज को दोहराएगा कि SMS प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। डॉक्टर, हम आपके SMS प्रोटोकॉल को थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे, क्या आप हमें दोबारा बता सकते हैं? SMS प्रोटोकॉल इज फॉर सैनिटाइजेशन, आपको हाथ धोना है, जैसे बार बार बोला हम लोग को सब जगह में बोला जाता है कि हाथ को साबुन से धोना है या 70-80% ऑफ एल्कोहल परसेंटेज का कोई भी स्टेरिलाइजर से धोना है। एम फॉर मास्क यूज करना है, अभी हम लोग को भूल जाना नहीं चाहिए कि मास्क कैसे, अभी बहुत हम लोग को इंसिडेंट देख रहा है हम लोग कि मास्क को हम लोग भूल रहा है, तो ये चीज को एकदम नहीं करना चाहिए, मास्क को फॉलो करना चाहिए, मास्क प्रोटोकॉल प्रॉपरली फिटेड मास्क यूज करना है। और ये आपको हम बताना चाहता है मास्क के बारे में एक चीज, मास्क सिर्फ हम लोग का जो वायरस को प्रिवेंट करता है ऐसा नहीं है, मास्क एक हम लोग को वैक्सीन जैसा ही एक इम्यूनिटी भी देता है, ये भी देखा गया है बहुत सारा स्टडी करने से, ठीक है? तो मास्क के ऊपर बहुत स्ट्रेस देना पड़ेगा, मास्क सबको पहनना है। और दूसरा एस है, मतलब SMS का लास्ट एस है सोशल डिस्टेंसिंग, ना कि 6 फीट का जो दूरी, तो ये चीज को भी मेंटेन करना है। हमारे लिसनर्स जान जाएं, SMS डॉक्टर शंभो द्वारा बताए गए सैनिटाइज, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इनका उपाय करते रहिए, वैक्सीन लगवाइए
और कोरोना को अपने से दूर रखिए। बहरहाल अब हम पास चलते हैं आनंद के दिल्ली, जहां से वो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। आनंद जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरे को ऐसा है कि टेस्ट काटने पे जो मैं टेस्टिंग पहले किया था, तो उसमें वो जो पहले टेस्टिंग करते हैं उसमें रेड होने के बाद वो डॉक्टरों ने मना किया कि तुम्हें कभी भी नहीं लेना चाहिए। आप सवाल एक बार फिर दोहराएंगे आप? मैं जैसे कुत्ते में काटने के बाद टेस्टिंग लगाते हैं तो उसको पहले टेस्टिंग करते हैं, हाँ? उसमें वो रेड हो गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कभी भी नहीं लगाना चाहिए ये। डॉक्टर शंभू, और दूसरा मेरे को जितना आपको इससे ऐसा क्लियरली मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप जो पूछना चाहते हैं वो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई रेबीज का वैक्सीन, मतलब डॉग बाइट होने के बाद जो वैक्सीन हम लोग लेता है उसको रेबीज का वैक्सीन बोलता है ना, तो आप अगर रेबीज का वैक्सीन अभी ले चुके हैं तो आप ये पूछना चाहते हैं कि कोविड का वैक्सीन लेना चाहते हैं? रेबीज का वैक्सीन लेने के लिए मना कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि कभी भी नहीं लगाना तुम्हें, तुम्हारी बॉडी को सूट नहीं करेगा। अच्छा, तो देखिए ये अच्छा से देखना है कि क्या चीज, क्या टेस्ट आपको हुआ था। तो ये तो आपको फोन में हमको ऐसे तो पता नहीं हो रहा है। एक बार देखना है कि रेबीज का वैक्सीन से आपका कोई एलर्जी था क्या नहीं, ठीक है? दूसरा बात है, जो रेबीज का वैक्सीन से आपको अगर एलर्जी होगा तो उसका जो इंग्रेडिएंट है उसको देखना है, ठीक है? आप अगर नाम बता देंगे तो जो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो लोग देख के वो इंग्रेडिएंट पता चल जाएगा। तो अगर वो इंग्रेडिएंट हम लोग का जो कोविशील्ड वैक्सीन के साथ अगर कुछ मैच कर जाएगा तो आपको कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लेने का है, लेकिन अगर मैच नहीं करेगा तो आप कोविशील्ड वैक्सीन ले सकता है। ऐसा कोई बात नहीं कि आप नहीं लेंगे। आपको अच्छा से ये चीज लेके आपका जो नियर बाई डॉक्टर है उसके साथ मिलिए, अच्छा से बातचीत कीजिए, क्योंकि ये रेड होना ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसा कुछ कोविड वैक्सीन के लिए नहीं है। हाँ, हमारे अगले श्रोता हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से विनोद जी हमसे जुड़ चुके हैं। आइए सुनते हैं क्यों, क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सर। मैं मोहाल दीवानपुरा राठ जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी कहिए, क्या सवाल है आपका? सर जी, मेरा प्रश्न था जो आपने कहा कि 45 साल के बाद वालों को मतलब टीका लगेगा, इससे पहले मतलब जो 30 साल तक के हैं लोग उनको नहीं लगेगा? डॉक्टर शंभू, हाँ, और एक बार बोलिए। ये जानना चाहते हैं कि अभी जो सरकार ने कहा है कि 45 वर्ष से उम्र के सभी लोगों को टीका लग सकता है, ये जानना चाहते हैं 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों को टीका कब लगेगा? हाँ, तो ये तो गवर्नमेंट का पॉलिसी है। हम लोग उम्मीद करता है कि जैसे जैसे धीरे धीरे करके जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनको वैक्सीनेट पहले कर रहा है गवर्नमेंट से। तो अभी एक 5 अप्रैल से ये लॉक गेट खुल गया, तो हम लोग उम्मीद करता है और कुछ दिन बाद सब पॉपुलेशन के लिए ये वैक्सीनेशन हम लोग को अलाउ हो जाएगा। जैसे मैं पहले बोल चुका है, जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग अगर वैक्सीनेट करेंगे उतना जल्दी हम लोग हार्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ेंगे, अग्रसर होगा जी। और उससे वही हम लोग का मेन टारगेट है जी। तो देखता है, हम लोग उम्मीद करता है कि जितना जल्दी हो सके ये चीज हो जाएगा, सबके लिए अलाउ हो जाएगा। बक्सर से सबके लिए मतलब पर बोलना चाहता है कि मोर देन 18 ईयर्स, अभी तक जो दो वैक्सीन हम लोग के पास अलाउड है, हम लोग के देश में चलता है, उसका अभी लेस देन 18 ईयर्स में अभी तक कुछ स्टडी नहीं हुआ। तो लेस देन 18 ईयर्स में अभी ये वैक्सीन अलाउड नहीं है, लेकिन हम लोग उम्मीद करता है कि बहुत जल्दी 18 ईयर्स तक, मतलब 18 ईयर्स से जितना एल्डरली पॉपुलेशन तक हम लोग को वैक्सीन स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्टर, अब बिहार के बक्सर का रुख करते हैं, वहां से पवन अपना सवाल पूछना चाहते हैं। पवन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी, मैं जिला बक्सर और ग्राम दुबराव से पवन कुमार अवेला। सवाल है कि सर, ये जो कोरोना के केसेस कम होकर के फिर बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, सुई इंजेक्शन जो आई है काम कर रही है कि नहीं कर रही है? डॉक्टर, आप जो प्रश्न कि लेने पर भी कोई डर ना रहे जी? हाँ, लेने पर कोई डर ना होगा, यदि हम इंजेक्शन लेते हैं फिर में कोई बाद में सी ना सिलसिला पैदा हो किया जी? डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इंजेक्शन भी ले रहे हैं, तो ये आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लें ताकि कोरोना का डर खत्म हो जाए।
एकदम बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि वही मैं बोला कि अभी जो ये जो सेकेंड वेव आ रहा है, सेकेंड वेव आ चुका है बहुत स्टेट्स में, तो हम लोग को अगर जितना पॉपुलेशन वैक्सीनेट होगा उतना ही हम लोग इस पैंडेमिक के साथ लड़ाई कर सकता है। आइए अब जम्मू चलते हैं, जम्मू से प्रमोद जी का सवाल सुनते हैं। प्रमोद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं जम्मू से प्रमोद सबरवाल हूँ। मुझे पूछना है कि मान लो अगर मार्च के महीने में हम दो डोज वैक्सीनेशन की ले लेते हैं, तो उसके बाद हमें वैक्सीनेशन कब लेना है, कितनी देर के बाद? जी हाँ, मतलब आप पूछना चाहते हैं कि एक मतलब फुल डोज ऑफ वैक्सीन लेने के बाद कितना दिन तक हम लोग को इम्यूनिटी मिल सकता है, तो ये चीज का डायरेक्ट आंसर हम लोग के पास अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी तक उतना देर तक हम लोग स्टडी नहीं किया है कि कितना देर तक ये हम लोग को इम्यूनिटी देगा। लेकिन जो मैथमेटिकल मॉडल्स है और प्रेडिक्टिव मॉडल्स है, उसमें जो पता चलता है कि एक साल तक ये हम लोग को प्रोटेक्शन दे सकता है, लेकिन मैं बोलेगा कि ये अभी भी कोई स्टडी से पता नहीं चला, क्योंकि अभी तक अगर आप लोग देख लेंगे जो क्लिनिकल ट्रायल में भी जिसको वैक्सीन मिला है अभी तक एक साल हुआ नहीं, तो एक साल जब तक नहीं होता है हम लोग को फाइनल कंक्लूशन नहीं में हम लोग नहीं आ सकता है कि कितना दिन तक ये वैक्सीन प्रोटेक्शन हम लोग को देगा, कब जाके फिर से हमको वैक्सीन देना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। डॉक्टर, त्योहारों का मौसम आ रहा है, अगले कुछ दिनों बाद ही पूरे देश में होली का त्योहार मनाया जाएगा, ऐसे में अगर मेरे परिचितों को टीका लग चुका है, वैक्सीन की दोनों डोजेज लग चुकी हैं, तब क्या मैं उनसे हाथ मिला सकता हूँ या गले मिल सकता हूँ? देखिए, अभी भी मैं जैसे बार बार बोल रहा है कि हम लोग को वैक्सीन मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग को इन्फेक्शन ना होगा। इन्फेक्शन हम लोग को होगा, लेकिन वो इन्फेक्शन जाके शरीर के अंदर में घुस के ज्यादा सीवियर डिजीज नहीं क्रिएट करेगा, तो हम लोग एक असिम्टोमेटिक कैरियर रह सकता है। अगर हम लोग दूसरे से हाथ मिलाएगा, गले मिलेगा, तो क्या होगा, एक चांस रहेगा कि हम असिम्टोमेटिक कैरियर होके दूसरे को इन्फेक्ट कर दे। तो इसके लिए अभी तक हम लोग को त्योहार का मौसम आ रहा है, हम लोग जो होली एंजॉय करेंगे, लेकिन ये एंजॉयमेंट के साथ साथ हम लोग को वो फिर से मैं बोलेगा SMS प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन, इसके साथ हम लोग को होली मनाना है। जी डॉक्टर शंभू, सवाल बहुत से हैं, जिज्ञासाएं बहुत सी हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं ये संदेश देना चाहता है कि जितना जल्दी आप लोग वैक्सीन लीजिए, जब भी आपके आपको अवेलेबल होगा वैक्सीन, आपकी उम्र के हिसाब से आप वैक्सीन ले लीजिए। मैं हम लोग का पूर्वतन प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कविता बोलना चाहता है कि इसको हम लोग को फॉलो करना है कि बाधाएं आती है आए घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाव के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि जलाए, नीजो हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अगर हम लोग कदम मिलाकर चलेगा तो हम लोग ये COVID-19 पैंडेमिक के अगेंस्ट में जरूर जीतेगा। डॉक्टर शंभू, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए, जिज्ञासाएं शांत करने के लिए, सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सबको। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें, 1 अप्रैल से सरकारी और प्राइवेट मेडिकल सेंटर पर 45 साल से उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। बहरहाल आज के इस अंक में इतना ही, कल 9:30 पर फिर मुलाकात होगी। मुझे यानी नवीन को दे इजाजत, नमस्कार। COVID-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे कोलकाता के स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन के डॉक्टर शंभू सम्राट समझदार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnstalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।